दोस्तों स्वागत है आपका सिस टेक्नोजोन में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक लूडो गेम बनाने के बारे में। तो जी हाँ, आप एक प्रोफेशनल लूडो गेम आज बनाने वाले हैं, वो भी स्केचवेयर एप्लीकेशन से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और घंटी निशान को जरूर दबाइए, क्योंकि इस चैनल में मैं बहुत सारे एडवांस टाइप के वीडियोज अपलोड करते रहता हूँ और आगे भी करूँगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ स्केचवेयर एप्लीकेशन में। अगर आपने अभी तक किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप जाकर के प्ले स्टोर में इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको सिंपली सर्च करना होगा स्केचवेयर। तो यहां पर सिंपली नीचे एक प्लस का बटन दिख रहा है, यहां पर आपको ये बटन पे आपको टैप करना है। तो जैसे आप टैप करते हैं तो यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। तो यहां पर आपको एप्लीकेशन का नाम डालना होता है, तो आप अपने एप्लीकेशन का नाम लूडो गेम ऐसे करके डाल सकते हैं, लूडो लूडो। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ टैप टू चेंज आइकन ये वाला जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर आप टैप करेंगे और यहाँ से चूज फ्रॉम गैलरी आप ले सकते हैं, अपनी गैलरी से इमेजेस को पिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ फिलहाल अपने गैलरी से उस इमेज को पिक कर लेता हूँ और यहाँ पर हमारे गैलरी के बहुत सारे इमेजेस हैं, वो अभी लोड हो रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अदर एल्बम्स में मैं यहाँ से डाउनलोड वाले फोल्डर में से ले लेता हूँ। हमारे पास ये एक लूडो गेम का है तो इसे मैंने बनाया हुआ है, तो आप यहाँ से अब खुद से बना सकते हैं या फिर कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उसमें एडिटिंग करके बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर एडवांस सेटिंग में आपको मिल जाता है पैकेज नेम, और इसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है इसके प्रोजेक्ट नेम। तो प्रोजेक्ट नेम से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आपको पैकेज नेम अपना चेंज कर लेना है। जो भी आपको पैकेज नेम रखना है आप अपने मर्जी के हिसाब से रखिएगा। तो मैं फ़िलहाल पैकेज नेम com.ludo.game ऐसे करके रख लेता हूँ, ऑनलाइन गेम रख लेता हूँ क्योंकि ये ऑनलाइन ही चलेगा। तो ऑनलाइन गेम ऐसे करके मैं रख लेता हूँ। आप अपना पैकेज नेम अलग अलग रख सकते हैं, नया नया अपना, यहाँ से आप कलर वगैरह को सब कुछ चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इसकी ट्यूटोरियल वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर नीचे क्रिएट ऐप बटन पर टैप कर रहा हूँ, तो क्रिएट ऐप पर टैप करने के साथ आपका ऐप यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे क्रिएट होगा तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना होगा, ऊपर थ्री डॉट वाले लाइन पर आपको टैप करना होगा। तो जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर व्यू का ऑप्शन, व्यू पर आपको टैप करना है और यहाँ से मैन एक्सएमएल पर आपको टैप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर टूल बार को अनचेक कर देना है। इसके बाद आपका देख सकते हैं ये टूल बार है और इसको हम लोग यहाँ से हाइड कर रहे हैं। और इसके बाद आपको सेव बटन पर टैप करना है और यहाँ से आपको बैक हो जाना है। तो जैसे आप यहाँ से बैक होंगे थोड़ा सा लोडिंग स्क्रीन आएगा और इसके बाद आपका बैक हो जाएगा यहाँ से। तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लोडिंग ले रहा है, और लोडिंग लेने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, नीचे यहाँ पर देखना है, इस लाइन में आपको मिल जाएगा यहाँ पर एक वेब व्यू का ऑप्शन। तो इस वेब व्यू पर आपको टैप करना है और थोड़ा देर होल्ड करके रखना है। इसके बाद इसको ड्रॉप करके यहाँ पर ला करके छोड़ देना है इस स्क्रीन में। इस स्क्रीन में पूरे स्क्रीन में ये हो जाएगा एप्लीकेशन, ये वेब व्यू का। इसके बाद आपको यहाँ पर एक व्यू टैप के बगल में इवेंट दिख रहा है, आपको इस पर टैप करना है। ऑन क्रिएट में जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एक फैब का बटन दिखेगा, आपको इस पर टैप करके इसे ऊपर लाना है और व्यू वाले में चले जाना है। व्यू ब्लॉक में आप जैसे जाएंगे इतना सारा ब्लॉक दिखेगा आपको, इसको आपको ऊपर स्क्रॉल करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आप यहां से देख सकते हैं वेब व्यू लोड यूआरएल का ब्लॉक आपको मिलेगा। इस ब्लॉक को भी होल्ड करके रखना है, यहाँ पर ला के आपको छोड़ना है। और इस वेब व्यू में यहाँ पर आपको टैप करना है, जो वेब व्यू है इसको आपको यहाँ पर टैप करना है, यहाँ से वेब व्यू वन पर सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद इस लोड यूआरएल में आपको एक यूआरएल पेस्ट करना है, वो यूआरएल मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे मिलेगा। मैं फ़िलहाल सेव करता हूँ और ये यूआरएल आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल में। तो मैं यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल में इसको दे देता हूँ, यहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल है तो इसमें मैं बहुत सारे सब कुछ अपलोड करते रहता हूँ। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल इस यूआरएल को पेस्ट कर देता हूँ और इसके बाद इसकी मैं यहाँ पर टैग कर देता हूँ इसको, कि ताकि आप इसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं टैग कर रहा हूँ LUDO लूडो, और इसके बाद बस लूडो मैं टैग कर देता हूँ इसके बाद, और इसे मैं यहाँ से सेंड कर देता हूँ। तो इसके बाद आपको यहाँ पर थ्री लाइन पर टैप करना है, सर्च बटन पर टैप करना है और यहाँ से आप हैश LUDO ऐसे सर्च करेंगे तो ये वाला लूडो वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा, आप यहाँ से सर्च कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक आएगा। इसके बाद आपको ये वाला यू आर कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद आप वहाँ पर पेस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बैक होना है, और बैक होने के बाद आपको यहाँ पर रन बटन पे नीचे जो बटन दिख रहा है आपको इस पर टैप करना है। तो आप अगर आप इस पर टैप करेंगे जैसे, तो ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पर जावा कंपाइलिंग एपीके बिल्डिंग होगा और इसके बाद आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन करता हूँ और इसके बाद ओपन बटन पर मैं टैप करता हूँ। ओपन में जैसे करता हूँ तो थोड़ा सा आपको लोडिंग के लिए वेट करना होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर
कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने लगेगा और यहाँ पर आपका लूडो गेम आ जाएगा। यहाँ पर आपको प्ले बटन पर टैप करना है। जैसे आप प्ले बटन पर टैप करेंगे थोड़ा सा लोडिंग वगैरह आएगा और लोडिंग होने के बाद ये तुरंत ओपन हो जाएगा। आपके नेटवर्क परफॉर्मेंस पर भी पड़ेगा, आपका जैसा नेटवर्क रहेगा। आप देख सकते हैं मेरा नेट अभी स्लो चल रहा है, यहाँ पर टावर का प्रॉब्लम चल रहा है अभी थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर स्किप करना है आपको, और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंटरनेट। आपका जैसे स्पीड चलेगा, अभी अच्छा चल रहा है, तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लोडिंग होगा, और लोडिंग होने के बाद आपका ये गेम ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही कूल गेम बन चुका है। यहाँ पे आपको ये बटन पर कोई भी टैप करेगा, यहाँ से आपको वर्सेस मोड मिल जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर आप मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी खेल सकते हैं एआई मोड में खेल सकते हैं। यहाँ पर जितने भी प्लेयर आप हैं उतने प्लेयर ले करके आप यहाँ से खेल सकते हैं, और सब कुछ आप खेल सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल मैं इसे एग्ज़िट कर लेता हूँ इस एप्लीकेशन को। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, और अगर आप और भी एडवांस टाइप के गेम बनाना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए बहुत ही एडवांस टाइप के गेम लेके आऊँगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ऑन करिए, ताकि मैं इस चैनल में जब भी कोई वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपके पास इसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।